फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फॉर सक्सेस। टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू द एमसीक्यू ऑफ 24th of May 2017। सब्सक्राइब कीजिए जीके फॉर सक्सेस चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया एंड जापान विल जॉइन हैंड्स टू सेट अप अ $250 मिलियन एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल इन विच कंट्री। ऑप्शन आर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। सो द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। इंडिया और जापान एक एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल बनाएंगे श्रीलंका में, जिसकी कॉस्ट होगी $250 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च ई क्लिनिक्स सर्विसेज फॉर फार्मर्स विद द एम टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022। ऑप्शन आर पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई क्लिनिक्स। और आपको ध्यान रखना है कि डाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर की सीएम हैं महबूबा मुफ्ती और गवर्नर हैं नरेंद्र नाथ वोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द ओजोन टू क्लाइमेट टेक्नोलॉजी रोड शो इन विच सिटी। ऑप्शन आर जयपुर, आगरा, चेन्नई एंड हैदराबाद। सो द करेक्ट आंसर इज आगरा। ओजोन टू क्लाइमेट टेक्नोलॉजी रोड शो आगरा में स्टार्ट हुआ है, और इस रोड शो को एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है यूएन एनवायरमेंट ओजोन एक्शंस कंप्लायंस असिस्टेंस प्रोग्राम के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेन ट्रांसप्लांट सर्विसेज। ऑप्शन आर स्पेन, मलेशिया, मॉरिशस एंड जर्मनी। सो द करेक्ट आंसर इज स्पेन। ऑर्गेन ट्रांसप्लांट सर्विसेज की फील्ड में कोऑपरेशन पर इंडिया और स्पेन के बीच एमओयू को अप्रूव किया गया है, और आपको ध्यान रखना है कि स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ न्यू एम्स इन विच स्टेट। ऑप्शन आर वेस्ट बंगाल, असम, केरला एंड उड़ीसा। सो द करेक्ट आंसर इज असम। हाल ही में गवर्नमेंट ने असम में एम्स सेटअप करने के लिए अप्रूवल दिया है, और आपको ध्यान रखना है कि सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वन द सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2017। ऑप्शन आर महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन एंड रविंद्र जडेजा। सो द करेक्ट आंसर इज रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन को मिला है सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द सेक्टर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। ऑप्शन आर जर्मनी, जापान, यूएस एंड फ्रांस। सो द करेक्ट आंसर इज जर्मनी। अल्टरनेटिव मेडिसिन के सेक्टर में कोऑपरेशन पर इंडिया और जर्मनी के बीच एमओयू को अप्रूव किया गया है, और आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who will become the new Prime Minister of Nepal? Options are Baburam Bhattarai, Krishna Prasad Bhattarai, Rambaran Yadav and Sher Bahadur Deuba. So the correct answer is Sher Bahadur Deuba. Sher Bahadur Deuba होंगे नेपाल के नए Prime Minister. और हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड ने Prime Minister की पोस्ट से रिजाइन किया है। Next question is, Recently Swachh Bharat app launched in National Museum which is located in which city of India? ऑप्शन आर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड बेंगलुरु। सो द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में स्वच्छ भारत ऐप को लॉन्च किया गया है, और इस ऐप को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, और महेश शर्मा ने इनॉग्रेशन किया एक एग्जीबिशन का, जिसका नाम है रिटर्न ऑफ द थ्री स्टोन्स स्कल्पचर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लाइफ इंश्योरेंस हैज पैक्ड विद प्रोडक्ट ऑफ द ईयर 2017। ऑप्शन आर एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस, बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस एंड अविवा लाइफ इंश्योरेंस। सो द करेक्ट आंसर इज अविवा लाइफ इंश्योरेंस। नीलसन की कंज्यूमर रिसर्च के अकॉर्डिंग अविवा हेड केयर 2Hz 1 प्लान बना है प्रोडक्ट ऑफ द ईयर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 29th अफ्रीकन यूनियन समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। ऑप्शन आर इजिप्ट, इथियोपिया, माली एंड ट्यूनिशिया। सो द करेक्ट आंसर इज इथियोपिया। अफ्रीकन यूनियन की 29th समिट होगी इथियोपिया में,
और आपको ध्यान रखना है कि इथियोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा और करेंसी है बिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ऑप्शन आर गायरुल हसन, जॉर्ज क्यूरियन, सुनील सिंघी एंड सुलेखा कंभरे। सो द करेक्ट आंसर इज गयारुल हसन। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नए चेयरपर्सन होंगे गयारुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर रॉजर मूरे हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज ऑप्शन आर एक्टर, डायरेक्टर, ऑथर एंड सिंगर। सो द करेक्ट आंसर इज एक्टर। सर रॉजर मूरे जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो एक फेमस एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कन्फेशंस ऑफ अ डाइंग माइंड, द ब्लाइंड फेथ ऑफ एथिज्म। ऑप्शन आर होलियनलाल गुटे, अरविंद अडिग, रामचंद्र गुहा एंड विक्रम चंद्रा। सो द करेक्ट आंसर इज होलियनलाल गुटे। कन्फेशंस ऑफ अ डाइंग माइंड द ब्लाइंड फेथ ऑफ एथिज्म के ऑथर हैं होलियनलाल गुटे और इस बुक को अनवील किया है किरण रिजिजू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शटलर हैज बिकम द सेकेंड इंडियन आफ्टर साइना नेहवाल टू बी इंडक्टेड इन द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन। ऑप्शन आर अजय जयराम, बी साई प्रणीत, पी वी सिंधु एंड ऋत्विका शिवानी। सो द करेक्ट आंसर इज पी वी सिंधु। साइना नेहवाल के बाद बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की मेंबर बनी है पी वी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेलीकॉम कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ ब्रिटिश कंपनी इनमारसैट टू ओपन अ न्यू इंडियन GSPS गेटवे। ऑप्शंस आर BSNL, आइडिया, वोडाफोन एंड MTNL। सो द करेक्ट आंसर इज BSNL। एक नया इंडियन GSPS गेटवे को ओपन करने के लिए BSNL ने टाइप किया है इनमारसैट के साथ और आपको ध्यान रखना है कि इनमारसैट का हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल रोबोट पुलिस ऑफिसर रोबोकॉप। ऑप्शन आर चाइना, जापान, US एंड UAE। सो द करेक्ट आंसर इज UAE। UAE के दुबई में लॉन्च किया गया है रोबोकॉप जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट ऑपरेशनल रोबोट पुलिस ऑफिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच IIT हैज टाइड अप विद मध्य प्रदेश फॉर मेजरिंग हैप्पीनेस इंडेक्स। ऑप्शन आर IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे। सो द करेक्ट आंसर इज IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने टाइप किया है मध्य प्रदेश के साथ हैप्पीनेस इंडेक्स को मेजर करने के लिए और आपको ध्यान रखना है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर एबोलिशन ऑफ FIPB FDI प्रपोजल्स वर्थ ओवर हाउ मेनी रुपीज विल कंटिन्यू टू रिक्वायर फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट। ऑप्शन आर 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ एंड 10000 करोड़। सो द करेक्ट आंसर इज 5000 करोड़। हाल ही में FIPB को एबोलिश किया गया है और FIPB के एबोलिशन के बाद FDI प्रपोजल जो कि 5000 करोड़ से ज़्यादा के हैं उनको कंपलसरी होगा कैबिनेट से अप्रूवल लेना और आपको ध्यान रखना है कि FIPB का फुल फॉर्म है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड स्कीम एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान स्कीम। ऑप्शन आर नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद, मनोज सिन्हा एंड अरुण जेटली। सो द करेक्ट आंसर इज मनोज सिन्हा। और इस ओकेशन पर मनोज सिन्हा ने अनाउंसमेंट किया कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करेगा दिसंबर 2018 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड इंटरनेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। ऑप्शन आर इंडिया, जापान, वियतनाम एंड अर्जेंटीना। सो द करेक्ट आंसर इज वियतनाम। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की थर्ड इंटरनेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई वियतनाम में और आपको ध्यान रखना है कि वियतनाम की कैपिटल है हनोई और करेंसी है डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक विनिंग लाइक विराट, थिंक एंड सक्सीड लाइक कोहली इज ऑथर्ड बाय। ऑप्शन आर अभिरूप भट्टाचार्य, आकाश जैन, देवेंद्र झा एंड कपिल मुखर्जी। सो द करेक्ट आंसर इज अभिरूप भट्टाचार्य। विनिंग लाइक विराट, थिंक एंड सक्सीड लाइक कोहली इस बुक के ऑथर हैं अभिरूप भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट। ऑप्शन आर एयरलैंडर 1, एयरलैंडर 8, एयरलैंडर 9
and Airlander 10. So the correct answer is Airlander 10. World's का largest aircraft है Airlander 10 और हाल ही में Airlander 10 ने टेस्ट फ्लाइट को successfully complete किया है. Next question is the 17th World Health Assembly, the main decision making body of World Health Organization, kicks off in which country? Options are US, Japan, China and Switzerland. So the correct answer is Switzerland. 17th World Health Assembly हाल ही में स्टार्ट हुई है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में. वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की. और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है. व्हाट डज PLR स्टैंड्स फॉर? ऑप्शंस आर पब्लिक लेंडिंग रेट, प्राइवेट लेंडिंग रेट, प्राइम लेंडिंग रेट एंड प्राइस लेंडिंग रेट. सो द करेक्ट आंसर इज प्राइम लेंडिंग रेट. और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है. Where is the headquarter of United Nations Industrial Development Organization located? Options are Switzerland, Austria, US and Japan. So the correct answer is Austria. United Nations Industrial Development Organization का headquarter है Austria के Vienna में. और ये आज का computer awareness का question है. Which protocol provides email facility among different host? Options are FTP, HTTP, SMTP and PPP. So the correct answer is SMTP. SMTP protocol provide करता है email facility और SMTP का full form है Simple Mail Transfer Protocol. So that's it for today friends. Please इस channel को subscribe कीजिए, उस side में bell icon को click कीजिए ताकि मैं जो भी video upload करूँगा उसके updates आपको मिलते रहेंगे. Thank you friends.